बिस्मिल्लाह रहमान रहीम साहब, दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेसन वाला पराठा। बेसन वाले पराठे का मसाले में कौन कौन सी चीज़ें हम डालेंगे, ये मैंने बेसन ले लिया था 2 कप। 2 कप मैंने बेसन लिया और 2 कप मैंने वाइट आटा ले लिया। ये दोनों को मैंने अच्छे तरीके से छान के ये मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं डालने लगा हूँ, ये मेरे पास हरा प्याज है। हरा प्याज मैंने कटा हुआ ले लिया, आपने इसमें ज़रूर डालना कितना आपके पास सामान है उस हिसाब से। और मेरे पास ये 8 से 10 हरी मिर्चें थी और साथ हरा धनिया सी। ये मैंने तीनों चीज़ों को अच्छे अच्छे तरीके से बारीक बारीक मैंने काट लिया और इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अब इसमें मसाले ऐड करूंगा। सबसे पहले मैं दड़ा मिर्च ऐड करूंगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया और ये मैंने 2 चम्मच डाल दिए और ये मैंने 3 चम्मच, ये मैंने 3 चम्मच दड़ा मिर्च इसके अंदर ऐड कर दिए। और इसमें 2 चम्मच मैं नमक के ऐड करूंगा, ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। और सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच। खुश्क धनिया पाउडर अगर आपके पास नहीं आया तो आप मोटा मोटा कूट के भी डाल सकते हैं। मैं 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर का ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। और 1 चम्मच हम सुर्ख मिर्च पाउडर का इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। आपने ऐसे इसको मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। ये सारा मैंने जो मसाले डाले थे वो सारे अच्छे तरीके से मैंने ये मिक्स कर दिए। अब इसके अंदर मैं 2 से 3 चम्मच ऑयल के इसके अंदर ऐड करूँगा। बिस्मिल्लाह, ये 2 से 3 चम्मच मैं अंदाजे से इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। इससे ये क्या होगा कि ये पराठा बिल्कुल नरम बनेगा, बेसन वाला पराठा बहुत अच्छा बनेगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। और इसको कर लेंगे मिक्स। और अब इसके अंदर मैं पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से गूंद लूँगा। इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको अच्छे तरीके से हम गूंद लेंगे आटे को। आपने थोड़ा सा इसको सख्त रखना है, थोड़ी देर बाद इसने खुद खुद ही नरम हो जाना है। ये देखिए माशाल्लाह, आपने इसी तरीके इसको आटे को आपने बना लेना। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। और अगर आप ये थोड़ा सा चिपक रहा है तो आपने इसके ऊपर क्या काम करना, आपने अपने हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ऐसे ऑयल करके आपने इसके ऊपर ऑयल लगा देना। और थोड़ा सा आपने नीचे बर्तन को भी ऑयल लगा देना ऐसे, कोई थोड़ा सा ऑयल लगा के ऐसे। फिर आपने इसको ऊपर से अच्छे तरीके से ऐसे जैसे आटा गूंदते हैं आपने इसी तरीके से इसको गूंदना। ऑयल लगा के आपने गूंदना, ये बात का आपने बिल्कुल खास करके ख्याल रखना है। फिर आपका ये जो आटा है वो नरम भी रहेगा और बहुत ज़बरदस्त इसकी रोटी बनेगी, बहुत मज़ेदार। ये देखिए हल्का हल्का सा जो चिपक रहा है ना, तो जब आप नीचे से ऑयल लगाएंगे फिर ये चिपकेगा भी नहीं और ये रोटी भी नरम बनेगी इसकी। और ये देखिए आपने इसी तरीके इसको अच्छे तरीके से, ये देखें कितनी नरम कितना सॉफ्ट आटा बन गया है। ऐसे ही आपने ना इसको बना लेना आटे को। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसके अंदर धनिया मिर्चियाँ पुदीन जो चीज़ें इसके अंदर डाली हैं सारी, सफ़ेद ज़ीरा वगैरह और प्याज सब्ज़ भी देखे कितना खूबसूरती से नज़र आ रही है सारी चीज़ें कितनी। और पराठा भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और इसको हम किसी डब्बे या किसी बर्तन में इसको डाल के इसको फ्रिज में रखेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद 20 मिनट के बाद इसका फिर पराठा बनाएंगे। ये मैंने एक टिफ़िन ले लिया और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और इस टिफ़िन के अंदर मैं इसको डाल दूंगा ये आटे को। और इसको मैं रख लूँगा फ्रिज के अंदर। इसकी रोटी भी बहुत अच्छी बनती है और इसका जो पराठा भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। सर्दियों में बच्चे शौक से इसको खाते हैं सुबह को नाश्ते में, वैसे भी नाश्ते में ये बहुत अच्छा लगता है और बच्चे लंच में भी ले जाते हैं। वैसे भी कि जब कोई चीज़ खाने को दिल ना कर रहा हो तो ये आप बच्चों को ज़रूर बना के दें, ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार होता है और बहुत बच्चों को पसंद आएगा। अगर आपने मेरा चैनल अज़र अब्बास कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।
ये आटा मैं कुछ देर के लिए फ्रिज में रखा था और ये पराठा इसका बना के मैं डालता हूँ तवे के ऊपर। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत पराठा बन गया और कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया, ये देख रहे हैं आपके सामने कितना प्यारा पराठा है। आपने बेसन वाला पराठा जब भी बनाया आपने इसी तरीके का पराठा बनाना है और बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी, बच्चों को बहुत पसंद आता है सुबह के नाश्ते में और दोपहर के लंच में और ब्रेकफास्ट करना हो तो फिर भी ये पराठा बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनता है, सर्दियों में भी पसंद करते हैं बच्चे और गर्मियों में भी पसंद करते हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो ये है वो टिफ़िन जहाँ से मैंने एक पेड़ा आटा निकाल के जो मैंने बनाया है पराठा। तो ये देखिए आपने इसको फ्रिज में सेव कर लेना और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसका बना के पराठा तो किसी खुबार के ऊपर आपने या किसी आशू के ऊपर आप इसको ऊपर रख सकते हैं, इसी तरीके आपने ऊपर रख लेना पराठा। माशाल्लाह ये देखिए कितना खूबसूरत, चाय के साथ, रायते के साथ या किसी आप चटनी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त पराठा लगेगा नाश्ते में भी और लंच में भी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी आपने मेरे चैनल आज़र बास कुक मास्टर को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।